हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी का शीर्षक है माँ की ममता। एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय थी। राजू की माँ कुछ पढ़ी लिखी तो थी, लेकिन उतनी पढ़ाई से नौकरी कहाँ मिलने वाली थी। सो घर घर बर्तन माँजकर और सिलाई बुनाई का काम करके किसी तरह अपने बच्चे को पढ़ा लिखा रही थी। राजू स्वभाव से थोड़ा शर्मीला था और अक्सर चुपचाप बैठा रहता था। एक दिन जब वो स्कूल से लौटा तो उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने माँ को लिफाफा पकड़ाते हुए कहा, माँ, मास्टर साहब ने तुम्हारे लिए ये चिट्ठी भेजी है, ज़रा देखो तो इसमें क्या लिखा है। माँ ने मन ही मन चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुरा कर बोली, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा काफ़ी होशियार है। इस स्कूल के बाकी बच्चों की तुलना में इसका दिमाग बहुत तेज है और हमारे पास इसे पढ़ाने लायक शिक्षक नहीं हैं, इसलिए कल से आप इसे किसी और स्कूल में भेजें। यह बात सुनकर राजू को स्कूल ना जाने का दुख तो हुआ, पर साथ ही उसका मन आत्मविश्वास से भर गया कि वो कुछ खास है और उसकी बुद्धि तीव्र है। माँ ने उसका दाखिला एक अन्य स्कूल में करा दिया। समय बीतने लगा। राजू ने खूब मेहनत से पढ़ाई की। आगे चलकर उसने सिविल सर्विसेज परीक्षा भी पास की और IAS ऑफिसर बन गया। राजू की माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी और कई दिनों से बीमार भी चल रही थी, और एक दिन अचानक उनकी मृत्यु हो गई। राजू के लिए ये बहुत बड़ा आघात था। वह बिलक बिलक कर रो पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब अपनी माँ के बिना वो कैसे जिएगा। रोते रोते ही उसने माँ की पुरानी अलमारी खोली और हाथ में उनकी माला, चश्मा और अन्य वस्तुएं लेकर चूमने लगा। उस अलमारी में राजू के पुराने खिलौने और बचपन के कपड़े तक संभाल कर रखे हुए थे। राजू एक एक कर सारी चीज़ें निकालने लगा और तभी उसकी नज़र एक पुरानी चिट्ठी पर पड़ी। दरअसल ये वही चिट्ठी थी जो मास्टर साहब ने उसे 18 साल पहले दी थी। नम आँखों से राजू से पढ़ने लगा, आदरणीय अभिभावक, आपको बताते हुए हमें अफसोस हो रहा है कि आपका बेटा राजू पढ़ाई में बेहद कमज़ोर है और खेल कूद में भी भाग नहीं लेता है। जान पड़ता है कि उम्र के हिसाब से राजू की बुद्धि विकसित नहीं हो पाई है, अतः हम इसे अपने विद्यालय में पढ़ाने में असमर्थ हैं। आपसे निवेदन है कि राजू का दाखिला किसी मंद बुद्धि विद्यालय में कराएं अथवा खुद घर पर रखकर इसे पढ़ाएं। सादर, प्रिंसिपल। राजू जानता था कि भले अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, पर वो जहाँ भी रहें उनकी ममता, उनका आशीर्वाद सदा उस पर बना रहेगा। दोस्तों, कहते हैं कि गॉड कुड नॉट बी एवरीवेयर, देयरफॉर ही मेट मदर्स। भगवान सभी जगह नहीं हो सकते, इसीलिए उसने माँ बनाई। माँ से बढ़कर त्याग और तपस्या की मूरत भला और कौन हो सकता है। हम पढ़ लिख लें, बड़े होकर कुछ बन जाएं, इसके लिए वो चुपचाप ना जाने कितनी कुर्बानियाँ देती हैं, अपनी ज़रूरतें मार कर हमारे शौक पूरा करती हैं। यहाँ तक कि संतान बुरा व्यवहार करे तो भी माँ उसका भला ही सोचती है। सचमुच माँ जैसा और कोई नहीं हो सकता। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अगली कहानी किस पर सुनना चाहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।